नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज सीबीएसई क्लास 12th का जो फिफ्थ चैप्टर है 5.6 उसकी एक्सरसाइज हमारी रह रही है, जिसके अंदर सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ एक्स एंड वाई आर पैरामेट्रिकली कनेक्टेड बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइजेस 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड डीवाई अपॉन डीएक्स। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपको कुछ क्या दे रखी है, इक्वेशंस दे रखी है जिसके अंदर x और जो y है वो पैरामेट्रिकली कनेक्टेड है, यानी एक पैरामीटर की वजह से वो दोनों कनेक्टेड हैं। आपको उस पैरामीटर को विदाउट एलिमिनेट किए, यानी कि उसको बिना खत्म किए आपको dy upon dx यानी कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक कर चुके हैं ऑलरेडी, और मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं और आपको उनमें कुछ कन्फ्यूजन है तो ऊपर आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आप देख सकते हो ये आपको x दे रखा है और ये y दे रखा है, और यहाँ पे जो t है, ये जो t दिखाई दे रहा है ये क्या पैरामीटर है, इसकी वजह से दोनों के आपस में कनेक्टेड भी हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, और कैसे फाइंड आउट करना है, इस t को खत्म नहीं करना, यानी बिना इस t को एलिमिनेट किए आपको dy अपॉन dx यानी कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे तो t दे रखा है, x और t रिलेटेड है, यहाँ पे y और t रिलेटेड है। तो यहां से अगर आप इसको डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो इसका, तो यहां से तो आपको मिलेगा dx अपॉन में dt, और यहां से आपको मिलेगा dy अपॉन dt, और चाहिए क्या dy अपॉन dx। तो ये क्या कर सकते हैं हम, dy अपॉन dt डिवाइड में dx अपॉन dt। तो यहां से एक तरीके से dt और dt कैंसिल हो जाएंगे, पेपर में कैंसिल करके नहीं दिखाने, तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx, और यही आपको चाहिए। तो क्या फाइंड आउट करेंगे, dy अपॉन dt और dx अपॉन में dt। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, dy अपॉन dt फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, y की वैल्यू दे रखी है a sin t। ठीक है, तो यहां से dy अपॉन में dt फाइंड आउट करते हैं, a को तो कांस्टेंट रहने देते हैं, और sin t का जो डेरिवेटिव है हो जाएगा cos t। तो ये आपके पास dy अपॉन dt आ गया। तो यहाँ पे u इंटू में v वाला रूल लग गया, सबसे पहले जो a है वो कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव करोगे तो 0 इंटू में sin t हो गया, प्लस में a इंटू में d अपॉन dx, तो यहाँ पे d अपॉन dt हो जाएगा ऑफ sin t। ठीक है, जो हो गया cos t, तो ये आपके पास dy अपॉन dt आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे dx अपॉन dt फाइंड आउट करना है, तो वो भी कर लेते हैं। x की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे a इंटू में cos t प्लस में log 10 t अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पे dx अपॉन में dt करते हैं, a को तो भाई हम बाहर ही रहने देंगे। एक तरीके से यहाँ पे भी क्या लग रहा है, u इंटू में v का रूल लग रहा है, इस पूरे को u कंसिडर कर लो, इसको v कर लो, तो v इंटू में u कह लो या फिर u इंटू में v कह लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा d अपॉन में dt ऑफ cos t प्लस में d अपॉन dt ऑफ log 10 t अपॉन में 2। ठीक है, ये काफी ज्यादा सिंपल है, देखते हैं कैसे होगा। dx अपॉन में dt फाइंड आउट करना है, तो cos t का तो डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस में sin t, फिर t का हो जाएगा dt अपॉन dt यानी कि 1, प्लस में अब log ऑफ x का करते हैं तो 1 अपॉन x होता है, तो x की जगह क्या है 10 t अपॉन में 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 10 t अपॉन में 2, फिर 10 t अपॉन में 2 का करोगे तो 10 ऑफ x का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर t अपॉन में 2, फिर t अपॉन में 2 का करोगे तो t अपॉन में 2 एक तरीके से तो हाफ इंटू में t हुआ ना, तो इसका करोगे हाफ तो बाहर ही रह जाएगा कॉन्स्टेंट, फिर t का करोगे तो dt अपॉन dt 1 यानी कि 1 अपॉन में 2 आएगा, तो यहां लिख देते हैं सीधा 1 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से dx अपॉन dt की क्या वैल्यू आएगी, a यहां पे है इंटू में माइनस में sin t, और ये आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 1 अपॉन में ये दे रखा है तो इसको cot लिख सकते हैं, प्लस में cot t अपॉन में 2। ठीक है, और ये क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है sec स्क्वायर में t अपॉन में 2, इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर टी अपॉन में 2, और ये जो हाफ है इसको साथ में ले लेते हैं या फिर ऐसे एक बार लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो कॉट होता है आपको पता है कि जो कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉस अपॉन में साइन होती है। ठीक है, ये कॉट होता है आपका, तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं, तो देखते हैं क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू ए, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में साइन टी, प्लस में इसको लिख सकते हैं कॉस टी अपॉन 2 डिवाइड में साइन टी अपॉन 2 इंटू में 1 डिवाइड में कॉस स्क्वायर टी अपॉन 2, और ये हो जाएगा इंटू में 1 अपॉन में 2, एक यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो नीचे बचेगा 2 साइन टी अपॉन 2 और कॉस टी अपॉन 2, हाफ एंगल फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, साइन टी आ जाएगी। ठीक है, तो वो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे वैल्यू लिख दिया मैंने, ये बता रही थी मैं यहाँ पे फॉर्मूला किस चीज का लग रहा है, साइन टी का लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जैसे साइन टू टी का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, 2 साइन टी कॉस
टी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो कि इसका हाफ कर दोगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला बन जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, तो dx अपॉन में dt इज इक्वल टू a, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में साइन t, प्लस में वन अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा। यहाँ पे अंदर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस में साइन स्क्वायर t प्लस में वन डिवाइड में साइन t। तो यहाँ से आपके पास dx अपॉन dt क्या वैल्यू आएगी, ये है a, वन माइनस में साइन स्क्वायर t हो जाएगा कॉस स्क्वायर t, और डिवाइड में क्या है साइन t, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनली वैल्यू आ गई है dx अपॉन dt की। और आपको किस चीज की वैल्यू चाहिए थी, आपको चाहिए थी dy अपॉन में dx की वैल्यू, वो कैसी आएगी, dy अपॉन में dt डिवाइड में dx अपॉन में dt करके आएगी। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इसे पहले वाले पेज में dy अपॉन dt की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, ठीक है। तो वो जो वैल्यू आई थी आपके पास वो लिख देते हैं यहाँ पे, आपके पास वैल्यू आई थी a cos t, और डिवाइड में आपने करना है ये a cos स्क्वायर t डिवाइड में sin t। ए से ए कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा, वन अपॉन में साइन टी, ठीक है, वन अपॉन में आपके पास यहाँ पे साइन टी बचा है, और यहाँ पे एक कॉस भी बचा है, ठीक है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं कॉस टी डिवाइड में साइन टी रह गया आपके पास, और यहाँ पे ऊपर में आपके पास वन भी रह गया है। तो एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, साइन टी डिवाइड में कॉस टी, तो ये हो जाएगा टेन टी, या फिर आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं ये क्या रह जाएगा, वन अपॉन में कॉट टी, तो इसका उल्टा कर देंगे तो टेन टी, ठीक है। यानी कि dy अपॉन में जो dx है इसकी वैल्यू कितनी आई है, टेन टी आई है। तो यही आपका डेरिवेटिव आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। अब 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया है, इसका आंसर देखते हैं। अब की बार ये एक्स दे रखा है, ये वाई दे रखा है, तो यहाँ से हमें मिलेगा dx अपॉन में d थीटा, अब की बार जो थीटा है एज अ पैरामीटर काम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से आपको मिलेगा dy अपॉन में d थीटा। तो यहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो u इंटू में v का रूल लग रहा है, तो जो u है वो तो हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और फिर sec थीटा का d अपॉन dt कर देंगे, तो ये हो जाएगा dx अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू a इंटू में sec, जो थीटा होता है इसका जो डिफ्रेंसिएशन या डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, ये होता है आपका sec थीटा इंटू में tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं sec थीटा इंटू में tan थीटा, तो ये आपके पास जो dx अपॉन में d थीटा है उसकी वैल्यू आ गई है। यहाँ से dy अपॉन d थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, b तो हमारा कांस्टेंट है, d अपॉन में d थीटा ऑफ tan थीटा करेंगे, tan थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो sec स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं dy अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू b इंटू में sec स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास dy अपॉन dt की dy अपॉन d थीटा की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे dx अपॉन d थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको चाहिए dy अपॉन में dx, तो उसकी वैल्यू कैसे आएगी, dy अपॉन d थीटा डिवाइड में dx अपॉन में d थीटा, दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा b sec स्क्वायर थीटा और डिवाइड में है a इंटू में sec थीटा इंटू में tan थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, एक यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा b sec थीटा डिवाइड में a tan थीटा। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ठीक है। तो dy अपॉन में dx की क्या वैल्यू आएगी, देखो इसको लिख सकते हैं b, इसको ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन में cos थीटा, tan थीटा को लिख सकते हैं हम sin थीटा डिवाइड में cos थीटा, और यहाँ पे a भी है, और आपकी ये कैंसिल हो गई, यानी आपके पास बचा b डिवाइड में a sin थीटा, तो इसको लिख सकते हैं b डिवाइड में a cosec थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10th क्वेश्चन लिख दिया है, ये x की वैल्यू दे रखी है, y की दे रखी है, पैरामीटर हमारा थीटा है, इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे dy अपॉन में d थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y आपको दे रखा है, तो ये हो जाएगा a, ऐसे ही रहने देंगे, d अपॉन d थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस में d अपॉन d थीटा ऑफ थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से dy अपॉन d थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, यहाँ पे u इंटू में v का रूल लगेगा, तो सबसे पहले थीटा का डेरिवेटिव करेंगे, d थीटा डिवाइड में d थीटा आपका 1 हो जाएगा, 1 इंटू में कॉस थीटा, और उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास प्लस में थीटा, आपके पास ऐसे ही रहेगा साइन, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस में साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से dy अपॉन d थीटा की क्या वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल हो गई, यानी कि आपके पास dy अपॉन d थीटा की क्या वैल्यू आई, a इंटू में थीटा साइन थीटा,
ये आपके पास dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको dx अपॉन डी थीटा चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू दे रखी है a इंटू में cos थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से dx अपॉन डी थीटा करते हैं तो ए ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव करोगे माइनस में साइन थीटा, यहाँ पे यू इंटू में वी यानी कि प्रोडक्ट रूल लगेगा तो प्लस में डी थीटा अपॉन डी थीटा वन हो गया, वन इंटू में साइन थीटा, फिर प्लस में थीटा आपके बार ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो गए तो डी एक्स अपॉन में डी थीटा की क्या वैल्यू आई, ए इंटू में थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ से ये डी एक्स अपॉन डी जो थीटा है वो भी आ गया। अब डी वाई अपॉन में डी एक्स चाहिए, कैसे आएगा, dy अपॉन डी थीटा डिवाइड में dx अपॉन डी थीटा करके आएगा, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई a इंटू में थीटा साइन थीटा, और डिवाइड में आपके पास dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई a इंटू में थीटा कॉस थीटा, ठीक है। थीटा और थीटा कैंसिल, a और a कैंसिल, तो dy अपॉन में dx की वैल्यू बची साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं देयरफोर dy अपॉन dx यानी कि जो डेरिवेटिव है क्वेश्चन नंबर 10 का वो आपके पास tan थीटा आया। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी सॉल्व हो गया है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 बचा है, वो भी बहुत ज्यादा सिंपल है, तो उसके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, वो खुद ही एक क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक ऑलरेडी सॉल्व हो गए, जिनके लिए पर्टिकुलर क्वेश्चन था जिसके अंदर जो हमारी इक्वेशन थी वो पैरामेट्रिकली कनेक्टेड थी और आपको dy अपॉन dx फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 11 लिख दिया, इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इफ x इज इक्वल टू दिस y इज इक्वल टू दिस शो दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन में x। यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है, y की दे रखी है, आपको ये शो करना है कि dy अपॉन dx आएगा जो यानी जो डेरिवेटिव आएगा वो माइनस y अपॉन x के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें पता है आंसर ये आने वाला है, लेकिन हमें सॉल्व करना है और शो करना है लास्ट में, प्रूव करना है एक तरीके से कि ये इसके इक्वल आएगा। तो मेथड तो वही रहेगा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दिया, अब की बार आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे यहाँ से dy अपॉन dt फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से dx अपॉन dt फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, x की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, ठीक है। तो यहाँ से dx अपॉन dt फाइंड आउट करेंगे, तो आपको पता है अंडर रूट ऑफ एक्स होता है, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो वन अपॉन में टू रूट ऑफ एक्स हो जाता है, फिर एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो वही यहाँ पे होगा वन अपॉन में टू अंडर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी, फिर जो ए साइन इनवर्स टी है अंडर रूट के अंदर उसका जो डेरिवेटिव करेंगे तब उसको हमें सॉल्व करना है, यानी कि यहाँ पे डी अपॉन में डी टी ऑफ ए साइन इनवर्स टी करना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू वन डिवाइड में टू अंडर रूट के अंदर ए साइन इनवर्स टी। अब इसका करोगे तो ये किस फॉर्म में आपके पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो ये कैसे हो जाएगा, देखो आपको पता है अगर ए की पावर को इनवर्स दे रखा होता है, कोई दे रखा होता है आपको, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ए ऑफ इस तरीके से दे रखा है, ए की पावर एक्स दे रखी है, ठीक है, एक्स के आपका कोई फंक्शन है, कोई इनवर्स फंक्शन है, और आपको इसको डी अपॉन में जो भी करना है, जैसे यहाँ डी टी करना है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं a की पावर x, ये फॉर्मूला ही ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको, ये याद करना है आपको। तो ये a की पावर x दे रखा है, ठीक है, तो a की पावर x यानी कि इनटू में a की पावर साइन इनवर्स में t दे रखा है, फिर लॉग ऑफ a दे रखा है, तो लॉग ऑफ a आ जाएगा क्योंकि a की जगह a है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी d अपॉन में dt ऑफ साइन इनवर्स t, वो क्या होता है वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ वन माइनस में t का स्क्वायर। तो dx अपॉन में dt की देखो क्या वैल्यू आएगी, वन डिवाइड में टू अंडर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी इंटू में ए साइन इनवर्स टी लॉग ऑफ ए, और यहाँ पे आपको करना है साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव जो होता है आपका वन डिवाइड में अंडर रूट ऑफ वन माइनस में टी का स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी की देखो क्या वैल्यू आएगी, ये जो यहाँ पे सेम वैल्यू है इनका जो बेस है वो सेम है, पावर ऊपर ले जाते हैं तो हाफ ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे वन है पावर तो वन माइनस में हाफ करेंगे तो फिर से हाफ होगा, यानी क्या बचेगा आपके पास अंडर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी इंटू में लॉग ऑफ ए, और नीचे क्या बचेगा टू इंटू में वन माइनस में टी का स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से वाई की वैल्यू आपको दे रखी है अंडर रूट ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स टी, सेम यहाँ पे करना है, यहाँ से आपको डी वाई अपॉन डी टी फाइंड आउट करना है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी वन डिवाइड में टू अंडर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी, फिर यहाँ पे इसका करना है ए की पावर कॉस इनवर्स टी का करेंगे तो एक बार तो ए ऐसे ही आएगा, ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू में लॉग ऑफ ए, फिर करेंगे डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस इनवर्स में टी,
तो इसको सॉल्व करते हैं, डी वाई अपॉन डी टी क्या वैल्यू आएगी, देखो सीधे लिख देते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे सबसे पहले तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में अंडर रूट ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू में लॉग ऑफ ए, और ये हो जाएगा आपके पास डिवाइड में टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस में टी का स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू थी वो थी माइनस वन डिवाइड में वन माइनस में टी का स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव था। तो हमने क्या किया, माइनस तो यहाँ पे रह गया बाहर, ठीक है, अब आपने क्या किया, ये जो सेम बेस थे इनकी पावर को ऐड कर दिया, तो इसको ऊपर ले गए तो माइनस में हाफ हो गया, तो यहाँ पे रूट बच गया, ठीक है, ये लॉग ऑफ ए हो गया, वन इंटू में कर दिया माइनस वन, तो माइनस आ गया, नीचे क्या बचा टू, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ वन माइनस में टी का स्क्वायर, तो ये आपके पास डी वाई अपॉन डी टी आ गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, डी वाई अपॉन में डी एक्स चाहिए, वो कैसे आएगा, डी वाई अपॉन में डी टी डिवाइड में डी एक्स अपॉन में डी टी करके आएगा। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, माइनस में अंडर रूट ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू में लॉग ऑफ ए डिवाइड में टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस में टी का स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा ए साइन इनवर्स टी इंटू में लॉग ऑफ ए डिवाइड में टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस में टी का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया आपका, ये भी कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू बची आपके पास, आपके पास बची माइनस में ए की पावर कॉस इनवर्स टी डिवाइड में अंडर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी। अब ये जो वैल्यू थी आपको वाई के इक्वल दे रखी थी, तो माइनस में वाई डिवाइड में एक्स, ठीक है, ये जो वैल्यू दे रखी है ना माइनस में, देखो आपको वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, अंडर रूट ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और एक्स की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है। तो ये वैल्यू आई, इसकी जगह वाई लिख दिया, माइनस तो ऑलरेडी था और इसकी जगह हमने एक्स लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू थी वो डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल चल रही थी, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स की क्या वैल्यू आई, माइनस में वाई डिवाइड में एक्स आई, यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म हो गया है, और साथ ही में आपकी एक्सरसाइज 5.6 है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके अंदर जल्द मिलेंगे, जल्द करेंगे उसको सॉल्व, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।